हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मरक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो ये डिसीज के कोजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसकी डिटेल पैथोफिजियोलॉजिकल स्टडी हम करेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर विथ द यूज ऑफ मेडिसिन विच आर यूज टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो इसको हम शॉर्ट में सी एच एफ कहते हैं और इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो है जो हमारा हार्ट है उसके अंदर कंजेशन होना और साथ में ये जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनका एनलार्जमेंट होना तो ये डिसीज़ की जो डिटेल पैथोफिजियोलॉजी है वो हम आज स्टडी करेंगे साथ में जो अलग अलग मेडिकेशंस होते हैं कि जो यूज होते हैं इन ए ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे कि डिजॉक्सिन की जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड मेडिकेशन है और डिजिटालिस उसका मेन सोर्स होता है उसके बाद ये एनालेप्रिल है इवाब्राडिन है स्पायरोनोलेक्टॉन है मेटाप्रोलॉलॉलॉल टैलमी तो ये सब डिफरेंट मेडिकेशनस है कि जो यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसी को हम अब डिटेल में स्टडी करते हैं तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ ए फार्मारॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मानोलि के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारॉग्स तभी डाउनलोड करिए फार्मरॉक्स अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है तो सबसे पहले समझिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में तो इट इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन दैट अफेक्ट द पंपिंग पावर ऑफ आवर हार्ट मसल तो यहाँ पे समझिए कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर होता क्या है तो यहाँ पे क्या अफेक्ट होता है हमारा हार्ट और हार्ट के अंदर भी पर्टिकुलरली जो फंक्शन है हार्ट का कि उसका जो पंपिंग पावर कि हार्ट का जो पंपिंग पावर है वो अफेक्ट होता है एंड उसके हार्ट मसल्स कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो यहाँ पे अफेक्ट होते हैं एज वेल एज उसके कारण उसका जो पंपिंग पावर होता है कि हार्ट जो है वो एक फिजियोलॉजिकल पंप का है कि जो हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम की ओर ब्लड जो है वो अच्छे से पंप करता है तो सी एच एफ के अंदर हमारा हार्ट ही जो है उसका फेलियर होता है और नॉर्मल हार्ट के कंपेयर में हम देखें तो कंजेस्टिव हार्ट के अंदर क्या होता है कि थिकनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर चैम्बर्स एंड स्मॉलर फिलिंग कैपेसिटी एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के उनकी जो फिलिंग कैपेसिटी है वो स्मॉल हो जाती है और साथ ही उनका जो इजेक्शन है पावर एज वेल एज जो पंपिंग पावर है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है तो ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीसन कही जाती है तो ये आप याद रखिए ऑफ द फर्स्ट पॉइंट तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर या फिर सी एच एफ जो है उसके अंदर मेनली क्या प्रॉब्लम होता है तो ये आपको याद रखना है कि पंपिंग पावर जो है वो अफेक्ट होता है इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर सिंपली रिफर टू एज ए हार्ट फेलियर कि जब हार्ट फेल होता है वो कंडीशन मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दिस मीन्स लेस ऑक्सीजन उसका मतलब क्या है तो उसका मतलब यह है कि लेस ऑक्सीजन इज रीचिंग द ऑर्गन्स एंड मसल्स विच कैन मेक द फील टायर्ड एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से एक बार अच्छे से समझिए उसको क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्ट आपका फेल होता है हार्ट आपका फेल होता है हार्ट का मेन फंक्शन तो पंपिंग का है उसका पंपिंग पावर जो है वो रिड्यूस होता है अब पंपिंग पावर रिड्यूस होगा तो जो अलग अलग ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम की और जो ब्लड पहुंचता है उसके अमाउंट में भी रिड्यूस uh, होगा और हमें पता है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी कैरी होता है तो उसका मतलब ये होगा कि लेस ऑक्सीजन जो है काफ़ी कम अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स की ओर पहुँचेगा और ऑर्गन्स रिलेटेड मसल्स अब समझिए कि हमारी बॉडी को दो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कंटिन्यूसली एक तो सभी ऑर्गन्स को पहुंचना चाहिए अच्छे से ब्लड ब्लड सप्लाई सभी ऑर्गन्स को कंटिन्यूसली होना चाहिए कि ब्लड जो है वो अपने साथ न्यूट्रिशंस भी कैरी करता है फ्लूइड भी कैरी करता है और साथ में सेकंड उसके अंदर डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन तो सभी ऑर्गन्स के हेल्दी फंक्शन के लिए ये दोनों चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसी के लिए हमारे बॉडी के अंदर हार्ट होता है कि जो हार्ट अलग अलग जो हमारे जितने भी ऑर्गन से ऑर्गन और्गेंस सिस्टम है सभी की ओर प्रॉपर अमाउंट के अंदर हार्ट जो ब्लड और उसके साथ रहा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है अब समझिए कि ये पंप ही थोड़ा फेल हुआ है उसका फेलियर हुआ है तो उसके कारण जो है वो कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस होती है जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम कि आपके घर में जो समझे कि पानी को पानी की टंकी के अंदर जब हम पानी चढ़ाते हैं तो उसके लिए मोटर यूज़ करते हैं हम मोटर या फिर जो पंप होता है उसको यूज़ करके हम यह नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की और जो है जो टंकी होती है वहाँ पे हम वाटर जो है वो पंप करवाते हैं अगर समझे कि आपकी ये मोटर में कोई ख़राबी आई है उसके अंदर कोई कचरा आ गया है या फिर उसका फेलियर हुआ है तो क्या होगा उसकी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर इफेक्ट होगा कि वो अच्छे से काम नहीं करेगी और काम नहीं करेगी तो प्रॉपर अमाउंट में जो वाटर है वो आपके अलग अलग टंकियों के अंदर नहीं पहुंचेगा रिजल्टिंग क्या होगा डेफिसेंसी होगी कि जितने अमाउंट में आपको पानी चाहिए वो मिलेगा नहीं सेम लाइक दैट हार्ट जब आ, हार्ट का फेलियर होता है तो हार्ट के फेलियर के कारण हमारी बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में मिलता है अलग अलग ऑर्गन्स को तो ये है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तब समझिए हार्ट एंड सी एच एफ हार्ट इज ए मसल्स हमारा जो हार्ट है वो एक मसल्स है एंड इट्स जॉब इज़ टू पंप द ब्लड थ्रू आउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम और जिसको हम क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो हमारा हार्ट है कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हमारा हार्ट वो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड को जो है वो पंप करता है और उसके लिए हेल्पफुल रहता है ब्लड और उसके अंदर मिक्सअप ऑक्सीजन ये दोनों को कैरी करने का काम जो है हार्ट का है और उसको पंप करवा के अच्छे से अलग अलग ऑर्गन्स की ओर पहुंचाता है ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन एंड अदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दैट ऑल बॉडी ऑर्गन्स नीड टू स्टे हेल्दी एंड टू वर्क प्रॉपरली कि हमारे जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम है और हमारे जितने भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स है सभी को जो है वो ऑक्सीजन चाहिए साथ में ब्लड भी चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स तो ब्लड जो है वो ये कैरी करता है और उसके कारण हमारे सभी ऑर्गन्स वग़ैरह हेल्दी रहते हैं तो ये अच्छे से समझिए एंड व्हेन इट फेल लेस ऑक्सीजन इज रीचिंग द ऑर्गन कि जब हार्ट फेल होता है उसका फेलियर होता है और तो उसके कारण जो ऑर्गन्स की और जो ब्लड और ऑक्सीजन पहुँचने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और जिसके कारण लेस ऑक्सीजन इज रीचिंग द ऑर्गन्स एंड मसल्स विच कैन मेक फील टायर्ड एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ और ब्रीथिंग जो है वह आपके शॉर्ट होंगे और जब ऑक्सीजन कम मिलता है ब्लड सप्लाई रिड्यूस होता है तो जिसके कारण पेशेंट को फटिक जैसी कंडीशन टायर्डनेस होता है थकान होती है और यह है उसके सिम्टम सो सी एच एफ इज ए कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मलिटीज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन यहां पे समझिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हमने अभी जो जाना रीजन जाना कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो वीक होते हैं एज वेल एज उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है पंपिंग पावर है वो अफेक्ट होता है तो वो किस तरह से अफेक्ट होता है तो क्या होता है वहां पे एबनॉर्मालिटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन तो यहां पे देखिए राइट वेंट्रिकल और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल इन नॉर्मल हार्ट और यह बीच में सेप्टम अब हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है यह जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका एनलार्जमेंट होता है दो कंडीशन होते हैं चाहे वहां पे एनलार्जमेंट होगा बट एनलार्जमेंट होगा बट वहां पे क्या होता है फैट डिपोजिशन होता है समझो या फिर वहां पे जो है वो कंजेशन होता है जिसके कारण उसका जो पंपिंग पावर है वो रिड्यूस होता है एंड न्यूरो हॉर्मोनल विच आर एकॉम्पनाइज बाय एफर्ट इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस होता है पेशेंट को फ्लोइड रिटेंशन होता है एंड रिड्यूस द लॉन्ग लाइफ आपकी जो लाइफ है वो उसके कारण जो है वो रिड्यूस होती है बिकॉज जो नॉर्मल वेंट्रिकल्स होते हैं राइट right या फिर लेफ्ट और उसमें भी जो स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल आप देखेंगे तो उसका एनलार्जमेंट होता है उसका क्या होता है एनलार्जमेंट आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल का ये एरिया अब नेक्स्ट ये वाले डायग्राम में देखिए ये वेंट्रिकल जो है वो एनलार्ज हुआ है ये वाला वेंट्रिकल जो है वो एनलार्जमेंट आपको कंप्लीटली देखने को मिलेगा तो ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपेयर में ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका क्या हुआ है एबनॉर्मलिटी हम कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ वेंट्रिकुलर फंक्शन कि जिसका जो काम है पंपिंग द ब्लड टुअर्ड्स द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी हार्ट फेलियर इज ए कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कार्डियक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स टू फील फील विथ और इजेक्ट द ब्लड के ब्लड जो है उनके अंदर फिलअप करवाना या फिर ब्लड को इजेक्ट करवाना कि ब्लड जो है वो पहले फील होता है उसके अंदर और फिर जो है अलग अलग ऑर्गन्स की ओर पंप होता है तो ये कैपेसिटी जो है उनकी अल्टर होती है और जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली या फिर फंक्शनली कार्डियक डिसऑर्डर्स कार्डियक डिसऑर्डर दैट इंपेयर द एबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का है या फिर राइट right वेंट्रिकल तो राइट right वेंट्रिकल के अंदर समझे कि फीलिंग की बात है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंपिंग की बात है तो वो जो है वो इन्फेक्ट होगी यहाँ पे स्पेशली अफेक्ट होता है और जिसके कारण पेशेंट जो है वो अलग अलग डिफिकल्टीज फेस करता है तो अब जानते हैं हम डिफरेंट कोजेज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कोजेस क्या है वो अच्छे से समझना जरूरी है तो सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज कोलेस्टेरॉल तो कोलेस्ट्रॉल एंड अदर टाइप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस कैन ब्लॉक द कोरोनरी आर्टरीज जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वहां पे जो क्या होता है उनके अंदर या फिर उनके आस पास जो है वो फैटी सब्सटेंस जो है वो जमा होते हैं और जिनके कारण वो जो आर्टरीज है क्या हो जाती है ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज अदर टाइप ऑफ फैटी सब्सटेंस यहाँ पे देखिए कि जो हार्ट के आसपास रहे जो ब्लड वेसल्स है ये ब्लड वेसल्स का आप ये डायग्राम में देख सकते कि जो फैट पे डिपोजिट हुआ है तो फैट डिपोजिट के कारण उसका जो अंदर का जो इंटरनल डायमीटर है वो हो जाता है रिड्यूस कि ये समझो कि नॉर्मल डायमीटर इतना है दिस इज नॉर्मल बट समझो कि फैट डिपोजिट के कारण क्या होता है उसके आसपास इस तरह से जो फैटी डिपोजिट होता है फैट डिपोजिट होता है तो फैट डिपोजिट के कारण आप देखिए ये इसका जो डायमीटर और ये वाला डायमीटर क्या हो गया है रिड्यूस हो गया है अब ये डायमीटर रिड्यूस होगा तो समझो कि वहां पे आसपास भी समझे कि फैट डिपोजिट होता है तो आर्टरी या फिर जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स उसके आसपास या फिर उनके अंदर फैट डिपोजिट होने के कारण वहाँ पे ब्लॉकेज होगा या फिर वो ब्लॉक हो सकती है या फिर नैरो हो सकती है दो कंडीशन यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि वो चाहे ब्लॉक हो जाए कम्प्लीटली या फिर वो नैरो हो जाए और उसके जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो साथ में सरफेस एरिया हम देखें तो सरफेस एरिया उसका थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है कि समझ लोग कि ये अंदर की ओर है बट वही फैट समझो कि बाहर की ओर भी डिपोजिट होता है तो वो फैट के कारण उसका जो हम कहे सरफेस एरिया इंक्रीज होकर सरफेस एरिया इंक्रीज होना मतलब कि हम कह सकते हैं एनलार्जमेंट तो ये है प्राइमरी कोज कि ये हम कह सकते हैं कि दैट इज द फर्स्ट इश्यू और रीजन दैट को द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आगे सीखते हैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज और कोरोनरी आर्टरी जिसके अंदर ये कोरोनरी आर्टरीज का जो है वो ब्लॉक होना या फिर उनका होना नैरो और जो रीजन जो है वो ऊपर हमने समझ ही लिया कि डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड अदर फैट सब्सटेंसेस तीसरा है कि कंजनेटल हार्ट डिफेक्ट से कि हार्ट रिलेटेड बर्थ डिफेक्ट सी है कोई तो उसके कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है नंबर फोर हम देखें तो सीवियर लंग डिज लंग्स के डिसीज के कारण भी वो आगे जाके आपके हार्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं और जिसके कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है नंबर पाँच वो है diabetes. कि डायबिटीज के कारण हमने देखा था कि जब डायबिटीज का हमने लेक्चर बनाया था उस वक्त ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि डायबिटीज के जो रिस्क फैक्टर है या फिर डायबिटीज के कारण जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कि डायबिटीज़ के अंदर जो ब्लड शुगर का जो समझो कि फ्लक्चुएशंस रहता है तो उसके कारण अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो हमारे डैमेज होते हैं और इसी में से हार्ट किडनी वगैरह जो है वो प्रायोरिटी में रहते हैं फिर है सीवियर एनीमिया एनीमिया बट उसमें भी सीवियर कि जिसके अंदर जो हम एच बी तो लेस देन एट एच बी जब किसी पर्सन का है हीमोग्लोबिन तो ऐसी कंडीशन में भी सी एच एफ हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म कि जब आपकी ओवर एक्टिव एक्सेसिव अमाउंट में T3 थ्री एंड टी जो है वो उनको रिलीज करती है और रिड्यूस होता है आपका टीएसएच टी थ्री एंड टी फोर की जो थाइरयड हार्मोन से उनका सिक्रेशन इंक्रीज होना एज वेल एज रिड्यूस होना टीएसएच का फिर नंबर एट हम देखें तो एबनॉर्मल हार्ट रिदम कि जिसको हम कार्डियक करिदमिया कह सकते हैं कि ब्रेडी कार्डिया या फिर टैके कार्डिया की जो रेगुलर हार्ट रिदम्स होते हैं हार्ट बीट्स होते हैं कि जो सिक्सटी से हंड्रेड होते हैं तो उससे रिड्यूस होना या फिर उससे इंक्रीज होना तो ये दो कंडीशंस के कारण भी जो है वो सी एच एफ हो सकता है तो दीज आर मेन कॉजिस और रीजन तो ये है डिसीज या फिर डिफेक्ट्स जिनके कारण आगे जाके कंडीशन हो सकती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की अब ऐसे जो रीजन हम जानेंगे कि जो हम खुद अपने तरफ से हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं जैसे कि स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे कि आप जो है वो एक्सरसाइज कम करते हैं एक्सेसिव खाना खाते हैं और साथ में फूड भी हैबिट आपकी ऐसे कि आपके खाने में जंक फूड ज़्यादा है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आप ज़्यादा लेते हैं और ऐसा खाना कि जिसके अंदर फैट भी एक्सेसिव के अंदर है और दूसरे वर्ड में कहें तो अनहेल्दी खाना एज वेल एज आपकी सेडेंटरी लाइफ तो वो है सबसे पहला एक रीज़न कि जिसके कारण जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे वैसे अलग अलग डिसीजेज हो सकती है और उसका एक सिम्टम बनता है ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसके बाद स्मोकिंग स्मोकिंग एज वेल एज एक्सेसिव स्मोकिंग वो भी एक रीजन बनता है आगे जाके देन ओवर बॉडी वेट ओवर बॉडी वेट की जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी की यहाँ पे देख सकते कि पेशेंट या फिर पर्सन जो है वो एक्सेसिव इस टाइप की जो लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी एक रीजन है ओबेसिटी का और ओबिसिटी के कारण भी आगे जाके सी एच एफ हो सकता है अल्कोहल कंजप्शन एक और रीजन है कि अल्कोहल कंजप्शन एज वेल एज एक्सेसिव अमाउंट में तो एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन आपके लीवर को भी डैमेज करते हैं और ही साथ, साथ आपके अलग अलग ऑर्गन्स डैमेज होते हैं और उसमें हार्ट भी एक है और हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हाई फैट डाइट आपके डाइट के अंदर एक्सेसिव माउंड के अंदर फैट प्रेजेंट है तो ऐसा खाना कि जो एक्सेसिव उसके अंदर फैट कि यह आप देख सकते हैं एक्सेसिव फैटी ऐसा नहीं कि ये इस टाइप का फूड लेना ही कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए फूड आप ले सकते हैं बट प्रॉपर लिमिट में यूज़ करें और साथ में प्रॉपर जो है वो आपकी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए तो भले इस टाइप का डाइट है बट सामने एक्सरसाइज भी नहीं है हाई फैट डाइट प्लस लेस एक्सरसाइज इन लाइफ तेजे रीजनस आगे जाके सी एच एफ के कोजेस बनते हैं नंबर सेवन दैट इज हाई सोडियमिन डायट डाइट के अंदर आपका सॉल्ट ज्यादा है और सॉल्ट ज्यादा है तो उसके कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर एनहांस होता है तो हार्ट के ऊपर भी वो जो है वो बर्डन आता है और वो बर्डन के कारण हार्ट फेलियर हो सकता है नंबर एट दैट इज कि आप जो है वो हैवी अमाउंट में कैफिन का कंजप्सन करते हैं एंड नंबर नाइन दैट इज अनहेल्दी डाइट कि अनहेल्दी डाइट का इंक्रीज होना कि नॉर्मली समझो कि कुछ महीने में एक दिन या फिर पंद्रह दिन में एक दिन आप इस टाइप का कुछ जंक फूड्स वगैरह लेते हैं बट समझे कि आपने ऐसा रोटीन ही बना दिया है इस टाइप के फूड का तो उसके कारण क्या होता है फैट जो है वो फिर डिपोजिट हो जाएगा उसके कारण ओबेसिटी भी हो सकती है और उसके कारण कि जो आपकी सेडेंटरी लाइफ हो जाती है साथ में स्ट्रेस भी इन्वॉल्व होता है कोई ना कोई रीजन से सॉल्ट कंजप्शन ज्यादा है एल्कोहल सभी रीजन आगे जाके कोजेस बनते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए रिस्क फैक्टर ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर में कोज द हार्ट फेलियर बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर कि ऐसे कौन से कंडीशंस कि जो आगे जाके आपके लिए रीजन बनते हैं कि ये रिस्क है आपके लिए कि फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर मे कोज हार्ट फेलियर कैसे रिस्क फैक्टर की जो रीजन बनेंगे हार्ट फेलियर के लिए तो दैट इज हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर सेकंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज की जो अभी हमने मेन कोजेस के अंदर भी देखा हार्ट अटैक देन डायबिटीज उसके अलावा हम देखे तो स्लीप एपनिया तो ये आपके लिए एक नया पॉइंट होगा मैं आपको समझाता हूं तो जब नॉर्मली हम जब सोते हैं तो जो ये जो ऊलवा होता है और ये हमारी टंग है और ये सॉफ्ट पैलेट तो उनके नॉर्मल फंक्शंस के कारण जो एयर है वो इजीली हमारे जो लंग्स की ओर पहुंचती है कि जिसका जो हमारा एयरवे है वो प्रॉपर रहता है और इजीली जो है वो हम ब्रीथिंग कर सकते हैं सोते समय बट स्लीप एप्निया के अंदर स्लीप एपनिया के अंदर ये जो है वो यहाँ पे ब्लॉकेज होता है एयरवे आपका ब्लॉक होता है जिसके कारण जब आप सोते हैं तो उस वक्त आपको ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है तो अगर समझो कि आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत जो है वो डायग्नोसिस करवा के ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करवानी चाहिए बिकॉज अगर स्लीप एपनिया आपको है तो स्लीप या अपने के कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो आपके बॉडी में कम जाएगा एज वेल एज इसके जो रिस्क फैक्टर है कि आगे जाके फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है देन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कोई भी हार्ट डिफेक्ट है बर्थ डिफेक्ट के कारण भी हो सकते कि जो बर्थ डिफेक्ट होती है हार्ट रिलेटेड तो उसके कारण भी हो सकता है एंड यूज ऑफ ए अल्कोहल तो दीज आर द रिस्क फैक्टर ऑफ सी एच एफ सिम्टम्स जान लेते हैं अब उसके तो फटिक सबसे पहले तो फटिक उसका मेन सिम्टम है कि पर्सन जो है वो थक जाता है जिस आप जिस तरह से देख सकते हैं कि जो बैटरी जैसे लो हो जाती है सेम लाइक दैट हमारी भी बॉडी की बैटरी ऑलवेज लो रहती है मतलब कि थकान रहती है एनर्जी कम हो जाती है हमारी बॉडी की और एनर्जी कम हो जाती है तो थकान होना जो है वो जायज़ है फिर एक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है कि जो एक्टिवली आप काम करते हैं रूटीन कोई भी तो वो अच्छे से नहीं हो पाता जिसको हम कहते हैं थकान की वजह से बट उसके कई बार रीजंस हो सकते हैं सी एच एफ भी कॉफ होता है पेशेंट को एस्पेसली सुपाइन कॉफ इडीमा होता है मतलब कि जो इन्फ्लामेशन देखने को मिलते हैं आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में प्रॉब्लम होना एज वेल एज शॉर्टनेस होना ब्रेथिंग के अंदर रिड्यूस एबिलिटी टू एक्सरसाइज अब जब आपके अंदर थकान होगी तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे हैवी वर्क कोई होगा तो वो नहीं कर पाएंगे तो इवन समझे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जस्ट वॉकिंग करना है तो भी आप नहीं करोगे इवन आपको स्टेप्स चढ़ने हैं तो भी वो नहीं पॉसिबल होगा और जल्दी से जो है वो आप थक जाओगे थकान होगी लेक ऑफ एपेटाइट भूख कम लगती है एंड नोजिया जैसा होता है रैपिड और इरेग्युलर हार्ट बीट हार्ट बीट रैपिड होते हैं या फिर वो इरेग्युलर हो जाते हैं चेस्ट पेन ये एक सिम्टम बनता है कि यहाँ पे चेस्ट के अंदर जो है वो पेन होना इफ योर हार्ट फेलियर इज कोज बाय द हार्ट अटैक अगर हार्ट अटैक के कारण आपको हार्ट फेलियर हुआ है तो उसके अंदर एक सिम्टम बनता है ये चेस्ट पेन तो हमने चेस्ट पेन का जब लेक्चर आपको समझाया था डिटेल के अंदर एंजाइना के बारे में तो एनजाइना पैक्टोरिस्क का जो एक सिम्टम एक था उसका एक रीज़न था दैट इज कि उसके कारण जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी हो सकता है अब जानिए कॉम्प्लिकेशंस कि किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसके कारण क्या आपके आपके जीवन के अंदर आपकी लाइफ के अंदर कौन से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आ सकते हैं तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज किडनी डैमेज और फेलियर किडनी डैमेज होती है किडनी डैमेज क्यों होती है बिकॉज हार्ट फेलियर के कारण लो ब्लड वॉल्यूम प्रॉपर अमाउंट में जो ब्लड चाहिए किडनी को वो पहुंचता नहीं और जिसके कारण ये किडनी का होता है फेलियर तो जब आप किडनी फेलियर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसके जो कॉजेज होते हैं कि इन्फ्लामेशन एंड वास्कुलाइटिस, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स लेने के कारण लो ब्लड वॉल्यूम एंड हार्ट फेलियर जब हार्ट फेलियर होता है तो इनसेफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई होता है किडनी की ओर और उसके कारण जब ब्लड वॉल्यूम भी लो हो एज वेल एज ऑक्सीजन भी उसको रिड्यूस अमाउंट में मिले तो किडनी जो है वो डैमेज होती है उसका फेलियर होता है कार्डियक खरीदमिया होता है कि इरेगुलर हार्ट बीट्स जो हम कहते हैं ऑलरेडी ये बड़ा लेक्चर भी हमने ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है तो उसमें भी हमने देखा था कि कार्डियक खरीदमिया के कारण भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है हाइपोटेंशन हो सकता है मतलब कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस भी हो सकता है हार्ट uh, रिदम के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इरेगुलर हार्ट बीट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है पेशेंट को फिर आगे जाके आपके बॉन मेरो सप्रेशन हो सकता है लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है एज वेल एज लीवर डैमेज हो सकता है एंड हार्ट के वाल्व्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है कि जब आपका हार्ट के जो वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो आगे जाके आपके हार्ट uh, के वाल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं सो मस्ट विजिट योर डॉक्टर वेन फेंटिंग कि जब आपको फेंटिंग हो फेंटिंग मतलब कि लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस कि जैसे अचानक से पेशेंट जब बेहोश हो जाता है कि जो बेहोशी होती है यहां पे देखिए कि ये वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग टू कि ये वाला जो डायग्राम है वो सजेस्ट करता है कंडीशन ऑफ ए फेंटिंग फेंटिंग मतलब कि जब पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है शॉर्ट टाइम फॉर ए शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं शॉर्ट टाइम के लिए कि सडनली अचानक से जो है वो आपका जो पेशेंट है वो हो जाता है बेहोश कोई भी पेशेंट शॉर्ट टाइम के लिए हो जाता है बेहोश हो जाता है फेंटिंग होता है बिकॉज ऑफ टेम्पर्री इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन कि ब्रेन के अंदर जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, बिकॉज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है एज वेल एज ब्लड सप्लाई रिड्यूस होता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम जो है वो होता है फेंटिंग का फिर सो so, जब भी आपको ऐसा हो तो तुरंत बिना किसी रुकावट के तुरंत आपको जो है वो विजिट करनी चाहिए डॉक्टर को अपना डायग्नोसिस जो है वो करवा लेना चाहिए बिकॉज यहाँ पे जो है वो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते कि जब भी अचानक से ऐसा फेंटिंग जैसा होता है तो तुरंत एक बार डायग्नोसिस करवा के अपना जो डाउट है वो क्लियर करवाना चाहिए बिकॉज उससे रीज़न पता चलेगा कि वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड फेंटिंग तो सी एच एफ के अंदर भी पेशेंट को जो है वो फेंटिंग हो सकता है तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ द सी एच एफ तो अगर समझो कि किसी को भी अचानक से फेंटिंग होता है लॉस ऑफ कॉन्सियस अचानक से पर्सन बेहोश हो जाता है तो तुरंत बिना किसी देर किए उसको हॉस्पिटलाइज करके डायग्नोसिस जो है वो करवा लेना चाहिए कि जिससे आगे जाके कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ना हो फिर जब आपके आ, हार्ट बीट्स जो है वो रेगुलर इरेगुलर हो जाते हैं कि रेगुलर में से इरेगुलर होना कि जो नॉर्मल हार्टबीट होते हैं उसके जगह इरेगुलर हो जाते हैं या फिर रैपिड होते हैं विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ चेस्ट पेन एंड फेंटिंग तो ये सब जब कॉम्बिनेशन होता है तो भी आपको तुरंत जो है वो अपना डायग्नोसिस करवाना चाहिए सडन सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो ये एक एडवाइस भी देखिए समझे कि आप पेशेंट काउंसलिंग करते हैं क्योंकि फार्मासिस्ट या फिर नर्सिंग स्टाफ या फिर कोई मेडिकल स्टाफ जब पेशेंट काउंसलिंग करते हैं तो ये भी उनको बताना चाहिए कि जब भी कोई पर्सन इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस उसको होते हैं तो तुरंत जो है वो डायग्नोसिस करवा के ट्रीटमेंट्स चालू करवानी चाहिए अगर सीवियर वीकनेस होना लगे क्या कि अचानक से बिना किसी रीजंस के आपको ऐसा लगे कि वीकनेस फील हो रही है और साथ में ऊपर में से कोई सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो मस्ट विजिट योर डॉक्टर कफिंग ऑफ द पिंक ये वाला देखिए ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू कि जो कफ है वो उसके अंदर जो पिंकीस जो कफ आपको देखने को मिलना कि कफिंग ऑफ पिंक तो ये जो है क्रीजन रीजन है फिर फॉमी म्यूकस म्यूकस जो है वो फॉमी हो जाना एंड इडिमा ये देखिए कि ये जो इडिमा जो है वो आप देख सकते हैं कि आपके हाथ पैर के अंदर इस तरह से इन्फ्लामेशन रहता है फेस पे ऐसा कोई इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और यूजुअली स्पेशली फेस से ये ले जो लेग्स को देख के ही पता चलता है कि इडीमा है तो मस्ट विजिट करके आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करवाने चाहिए एंड जो रीज़न जान लेना चाहिए कि ईडीमा जो है वो क्यों हुआ है और अगर इडीमा होने का जो रीज़न आपको पता चलता है कि सी है तो तुरंत आगे जो है वो उसके प्रिवेंशन स्टेप एज वेल एज ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी जरूरी होती है तो व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ सी एच एफ दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कि जो हम कहते हैं कि ई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकाला जाता है पेशेंट का एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है इकोकार्डियोग्राम कार्डियोग्राम जो हम कहते हैं कि जो इको जो किया जाता है कि ट्रांस ट्रांसड्यूसर को ये हार्ट रीजन में रख के इको कार्डियोग्राम निकाला जाता है चेस्ट का एक्सरे किया जाता है एज वेल एज हार्ट कैथेटराइजेशन किया जाता है सी स्कैन किया जाता है एंड एम आर आई तो ये है उसके डायग्नोसिस ऑफ सी एच एफ अब जानते हैं उसके प्रिवेंशन के बारे में तो प्रिवेंशन इज द दे बेटर देन क्यों के अगर समझो कि पहले से ही पर्सन प्रिवेंट करता है तो आगे जाके ना ही उसको मेडिसिन लेने की जरूरत है ना ही कोई सर्जरी की ना ही कोई ट्रीटमेंट की तो सबसे पहले तो जो हैबिट्स है कि स्मोकिंग के कारण सी एच एफ हो सकता है तो यू मस्ट हैव टू क्वाइट योर

और प्रॉपर कंट्रोल में रहें फिर बात आती है डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने की उसको मैनेज करने की कि जो सुगर लेवल है वो आप अच्छे से अपना मेंटेन रखें कि जिसके कारण भी आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो बिकॉज एक्सेसिव शुगर होना एज वेल एज अचानक से उसका डाउन होना मतलब कि जब फ्लक्चुएसन्स होते हैं शुगर के अंदर तो वो आपके अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज करती है उसी में से एक हार्ट न बी फिजिकली एक्टिव एंड डू द एक्सरसाइज फिजिकली एक्टिव रहिए एक्सरसाइज करिए वॉकिंग करिए थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं आप साइकिलिंग कर सकते बहुत सारे ऑप्शनस अवेलेबल होते हैं एक्सरसाइज के तो जरूर से एक्सरसाइज करनी चाहिए ईट द हेल्दी फूड कि जो हम देखते कि अलग अलग हम वेजिटेबल्स देखें एज वेल एज जो फ्रूट्स होते हैं जरूर से आपके खाने के अंदर ये होने ही चाहिए कि वेजिटेबल्स एज वेल एज़ फ्रूट्स की जो आपको प्रॉपर हेल्दी डाइट प्रोवाइड करेगी आपका जो वेट है वो हेल्दी मेंटेन रखिए तो ये एक और एडवाइस है ये समझो कि प्रिवेंशन के स्टेप समझ सकते हैं एडवाइस कह सकते हैं एज वेल एज़ एक होम रेमेडी भी है कि जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं रिड्यूस एंड मैनेज द स्ट्रेस इवन समझे कि आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो काउंसलिंग के दौरान ये जो है वो एडवाइज भी आप हम दे सकते हैं पेशेंट को एज़ वेल एज जो भी कोई ये लेक्चर को अटेंड कर रहा है तो ये जो हैबिट्स हमेशा बनानी चाहिए कि ये जो है वो प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है ये सब रीजंस के कारण तो ये जो रीजंस ही हम होने ना दें तो आगे जाके ना ही सी होगा और ना ही उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी एडवाइज है टू एवॉइड द अल्कोहल एंड द लास्ट डू इंस्टंट डायग्नोसिस इन एनी ऑफ सिम्टम ऑफ सी एच एफ कि कोई भी सिमटम जब आपको लगे तो ये भी एक प्रिवेंशन ही है एज वेल एज आपके लिए एडवाइस है कि इंस्टेंट डायग्नोसिस की कई बार हम क्या करते हैं लाइटली लेते हैं कंडीशन को रागे जाके फिर वो लाइट कंडीशन जो हैवी हो जाती है जिसके कारण ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि जिसके कारण वो जानलेवा हो सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है तो दिस आर द प्रिवेंशंस ऑफ सी एच एफ अब जानते हो मेन दैट इज अ ट्रीटमेंट तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सी एच एफ तो सबसे पहले कि जो कंजेशन है कि जो ब्लॉकेज है कंजेशन है उसको जो है उसमें से रिलीफ देना पेशेंट को कि रिलीफ ऑफ कंजेशन ऑल्सो द लो कार्डियक आउटपुट एंड सिम्टम एंड रिस्टोरेशन ऑफ कार्डियक परफॉर्मेंस कि जो हम सिम्टम बेस्ड बात करें कि जब कंजेसन होता है हार्ट फेलियर के अंदर तो कंजेसन को रिलीव करवाने के लिए अलग अलग मेडिकेशन जैसे कि आयोनोट्रॉपिक ड्रग्स जो हम कहते हैं जिसमें कार्डिय ग्लाइकोसाइड डिजिटालिस का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट डिजॉक्सिन फिर डोब्यूटामाइन करके मेडिकेशन आती है एमरिन है वगैरह ऑप्शन रहते हैं आइनोड्रोपिक ड्रग्स के अंदर डायबिटिक्स के अंदर फ्यूरेमाइड एज वेल एज था डायटिक्स की जो कंजेशन को रिलीव करवाने में हेल्प करते हैं एज वेल एज लो कार्डियक आउटपुट फिर वासो डायलेटर की जब वासो मतलब कि ब्लड वेसल को डायलेट कर दे तो भी कंजेशन जो है वो कम होगा कि ब्लड वेसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उनको डायलिट करवाने के लिए ऐसे ही इनहिबिटर्स या फिर एटी एंटागोनिस्ट और एनजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हम कहते हैं ए आर बेस कि लाइक एनालेप्रिल है हाइड्रेलिसिन है नाइट्रेट्स वगैरह है फिर जो सार्टन्स सार्टन है केटेलमी सार्टन्स वगैरह एनालप्रिल आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजोक्सिन के जो टैबलेट्स है और बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आप देखें तो मेटाप्रोलॉल है प्रोलॉल है कार्वेडिलॉल है तो ये सब मेडिकेशंस जो है वो पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है तो दिस ऑल आर द आर एक्स ये समझिए दिस ऑल आर आर एक्स मेडिकेशंस दिस ऑल आर द आर एक्स ऑनली मेडिकेशन सभी के ऊपर आप देखिए ये भी आर एक्स है दिस इज ऑल्सो द आर एक्स ऑल आर आर एक्स सो डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन ये पॉइंट आपके लिए खास इंपॉर्टेंट कि यह सभी मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन होती है कभी भी उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए ना ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसको यूज करनी चाहिए तो दिज ऑल आर द आर एक्स ओनली मेडिकेशन डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन नेक्स्ट इज अरेस्ट एंड रिवर्सल ऑफ द डिस प्रोग्रेशन एंड प्रोलोंगेशन ऑफ़ द सर्वाइवल कि जो सर्वाइवल को प्रोलोंग करने के लिए और जो हम रिवर्सल कहते हैं कि डिसीज को नॉर्मल करवाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं डेटास ए सी इनिबिटर्स एंड एटी वन एंटागोनिस्ट कि जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से तो इसके ऊपर भी हमने रिजल्ट में भी लेक्चर बनाया था आपके लिए डिटेल में एटी वन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एज वेल एज ए सी ही इनहिबिटर्स तो वो हमने डिटेल में मेकेजम जानी थी तो यहाँ पे हम ये लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ए सी ही इनिबिटर्स एटी वन एंटागोनिस्ट सभी के लेक्चर्स देख सकते हैं फिर बीटा ब्लॉकर्स ऑप्शन रहता है ट्रीटमेंट के अंदर देन ये एक नया ऑप्शन है आई एफ चैनल ब्लॉकर्स आई एफ चैनल ब्लॉकर और इनहिबिटर का जिसका मेडिकेशन है इवाब्राडिन टेबोट का यहाँ पे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं इवाब्राडिन दिस इज आल्सो ए आरएक्स ओनली मेडिकेशन एबोट का ये प्रोडक्ट देख सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ है 5 एमजी का ये टैबलेट तो ये भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है उसके अलावा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्टम देखें तो जिसके अंदर स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन इट इज़ ऑल्सो ए आर एक्स मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ये एंड एपरी नॉन तीस जो है अलग अलग मेडिकेशंस की जो यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अब बात है कि अवेयरनेस फैलाने की सभी के अंदर तो उसी के लिए जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे वर्ल्ड हार्ट डे को सेलिब्रेट किया जाता है To keep the heart healthy, keep the heart healthy. ki heart को healthy रखना जो है वो बहुत ही जरूरी है जिसके कारण हर साल जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है तो वर्ल्ड हार्ट डे डब्ल्यू जो हम कहते हैं वर्ल्ड हार्ट डे इज मेन टू रेज द अवेयरनेस दैट कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो हम कहते हैं इंक्लूडिंग द हार्ट डिसीज़ एंड स्ट्रॉक इज वर्ल्ड्स लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्लेमिंग 17.9 मिलियन लाइफ्स ईच ईयर तो हम विश्व की सबसे बड़ी जो डिसीज जो हम कहे कि जिसके कारण डेथ होती है द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड दैट इज दार्ट फेल एंड सेवनटीन पॉइंट नाइन मिलियन जितने लोग हर साल इससे जो है उनकी जो लाइफ है इसके कारण अफेक्ट होती है द ओकेसन हाईलाइट द एक्शन दैट इंडिविजुअल कैन टेक द प्रिवेंट एंड कंट्रोल द कार्डियो वास्क्यूलर डिसीजेस स्टे हेल्थी एंड बी हेल्थी तो यही बात है कि कीप योर हार्ट हेल्दी थी इसीलिए ये वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो मनाया जाता है 29 सितंबर को सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर गेट अवर लेक्स की ये जो लेक्चर्स होते हैं उसके पी डी एफ एंड पीपीडीज आपको फार्मोरक्स की ऐप ऊपर मिल जाएगी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर और ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सभी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग जरूर से वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए शेयर करिए एंड वैल्यूएबल कमेंट्स करिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर होने फार्मरक सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट